दोस्तों, आप एक दिन में इंटरनेट का कितना इस्तेमाल करते हैं? शायद बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम। लेकिन मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी की मदद से आपने इस दुनिया को जितना भी जाना या समझा है, वो सागर में बूंद को जानने के समान है। क्योंकि हमारी इस दुनिया में लाखों करोड़ों अजीबोगरीब चीजें हैं जिनके बारे में आपको अंदाजा तक नहीं है। ऐसी ही कुछ चीजें जो आपने आज से पहले शायद ही कभी देखी होंगी, हमारे इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आप इस छोटे कमाल के हाथी के बच्चे को देखिए, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसकी एक्टिंग है ही इतनी कमाल की। दरअसल हाथी का ये बच्चा थोड़ी दूर तक चलता है, फिर थोड़ा चलकर नीचे गिरकर लेट जाता है, और फिर जब इसका मालिक आकर इसमें चाबी भरता है, कमाल की बात यह कि चाबी भरते ही फिर से खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता है। दरअसल ये हाथी जिसे आप अब तक हाथी समझ रहे थे, असल में एक कुत्ता है। इसकी कॉस्ट्यूम इतनी कमाल की है कि इसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। जंग लगे लोहे को साफ करते तो आपने कई कई लोगों को देखा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ करने का तरीका आपने नहीं देखा होगा जिसमें ये सामने रखे लोहे के ऊपर लेजर लाइट मारी जाती है, और ऐसा करते करते लोहे से पूरी तरह से जंग छूट जाता है। इस तरीके को देखकर लगता है कि कोई मूवी का सीन हमारी आंखों के सामने चल रहा है। दोस्तों, कांच पर अगर हथौड़ा मारा जाए तो जाहिर सी बात है कि कांच टूट जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो कांच पे हथौड़ा मारकर लोगों की तस्वीर और शक्ल बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि किस तरह ये अपनी आर्ट दिखा रहा है। इनके बारे में बात की जाए तो इन्हें बखूबी पता है कि किस तरह किस जगह पर कितने जोर से मारा जाए जिसकी वजह से कांच उतना ही टूटे जितना उसे टूटना चाहिए। और ये देखिए उसका रिजल्ट कितना खूबसूरत और शानदार आया है। इसमें न तो पेंट करने की जरूरत पड़ी और न ही ब्रश के, जो कि अपने आप में ही कमाल है। क्या आपने कभी इससे पहले ऐसी कलाकारी देखी थी? कमेंट करके जरूर बताएं। ये इंटरनेट की सबसे हैरान कर देने वाली और सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली वीडियोस में से एक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सांप घर के अंदर घुस गया है। पकड़ने वाले उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये उसको पकड़ के बाहर खींचने लगते हैं, तभी बाहर निकलते ही सांप उस बंदे को घूरने लगता है, जिसे देखकर इन भाई साहब की आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। दोस्तों, कई बार हम लोग कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिसे देखकर हम दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसा कि इस वीडियो को देखकर यही लगता है कि कार में मौजूद कोई भी आदमी बचा नहीं होगा, जो एक पहाड़ी से लुढ़क के गिर जाते हैं। लेकिन जो चीज सामने निकल कर आई, उसके बाद शायद ही आपको अपनी आंखों पर यकीन होगा। हमारी इस दुनिया में कई तरह के हुनरमंद लोग हैं जिनमें तरह तरह कूट कूट कर क्रिएटिविटी भरी हुई है। इस आदमी जैसा कोई हुनर शायद ही किसी में होगा, क्योंकि ये जनाब ताश के पत्तों से किसी भी चीज को दो टुकड़ों में काट देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मौजूद इस तरबूज को, वो भी काफी दूर से। यहाँ तक कि ये जनाब एक लकड़ी के पेड़ में भी कागज के कार्ड को फेंक कर उसे धसा देते हैं। ये आदमी सच में कमाल का है, क्योंकि इसे रियल में चाकू छुरी की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए कार्ड ही काफी है। अब जरा इस होटल को तो देखिए। अगर आप भी अपनी जिंदगी समुद्र में बिताना चाहते हैं तो ये होटल काफी अच्छा च्वाइस हो सकता है। इसकी सारी दीवारों को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, जहां आप आराम से समुद्र के नजारे को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शार्क जैसी मछलियों से डर लगता है, तो पूरी रात समुद्र के बीच में बिताना आपके लिए मुश्किल का काम हो सकता है। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कोई ना कोई मुर्गी तो देखी होगी, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये मुर्गी, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इतनी बड़ी मुर्गी तो आपने शायद कभी भी नहीं देखी होगी, क्योंकि जब भी ये मुर्गी अपने बाड़े से निकल रही होती है, तो बाड़े का होल भी इसके लिए छोटा पड़ जाता है। जब ये बाहर निकलती है तो आप देख सकते हैं कि ये तो कुत्ते के बराबर है। एक मुर्गी का इतना बड़ा होना काफी अजीब बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक खास तरह की नस्ल है। आकार में बड़े होने के साथ साथ ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग इसे पालतू बनाकर रखते हैं। दोस्तों, स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है, लेकिन आजकल बच्चों के लिए ये कुछ और ही बनता जा रहा है। आजकल बच्चों के स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा बच्चों की सेटिंग होना आसान हो गया है, और कई बार तो यही बच्चे बेशर्मी की सारी हदें पार कर देते हैं। इस वीडियो में जब क्लास की टीचर पढ़ा रही होती हैं और एक लड़का और एक लड़की बेंच पे बैठे होते हैं, लड़की चारों तरफ देख करके कोई देख तो नहीं रहा, इस लड़के को किस करना स्टार्ट कर देती है। इन्हें देखकर हैरानी होती है कि ये बच्चे इतनी हिम्मत आखिर कैसे कर लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो एक बार में बहुत से बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन सी हॉर्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि समुद्र में रहने वाला ये प्राणी 1 लाख से ज्यादा बच्चों को एक बार में जन्म देता है। लेकिन जब ये बच्चे पैदा करता है तो नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार होता है, और अभी आप इस अनोखे नजारे को अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसके बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं कि सी हॉर्स में नर बच्चों को जन्म देते हैं और उनका सारा ख्याल भी रखते हैं। आजकल पेड़ों की कटाई से हरियाली कम होती जा रही है, वहीं दुनिया में कई लोग बड़ी संख्या में पेड़ लगाते हैं ताकि दुनिया को बचाया जा सके। लेकिन अब जरा आप खुद इस इनोवेटिव आइडिया को देखिए, जिसमें हर बिल्डिंग के पास खुद का पर्सनल गार्डन है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है।
इसके साथ ही एनवायरनमेंट के लिए भी ये काफी अमेजिंग आइडिया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कई सालों की मेहनत के बाद ऐसा मटेरियल बना लिया जो कि हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि अगर आप इस मटेरियल को किसी भी चीज पे लगा दें तो उस चीज का भीग पाना नामुमकिन है। पूरी तरह कोशिश करने के बावजूद भी वो भीग नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा मदर नेचर के पास ये टेक्नोलॉजी शुरू से ही है। अपने डेंडेलायंस का नाम तो सुना ही होगा, ये वही फूल है जिसे फूंक मारने पे ये झड़के उड़ जाता है। असल में वो फूल पूरी तरह से हाइड्रोफोबिक होता है और काफी बेतोड़ मेहनत के बाद भी आप इसे पानी में भिगो नहीं सकते हैं। क्या क्या छुपा है नेचर के पास, कोई नहीं जान सकता। अब इस फैमिली को देखिए जो मैदान में बैठकर अपनी पिक्चर क्लिक करवा रही है, वो भी ड्रोन से। लेकिन मुझे लगता है कि जो बंदा ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है उसे बिल्कुल भी ड्रोन को उड़ाना नहीं आता है, इसलिए अपनी फैमिली फोटो में मुस्कुराते हुए इस आदमी में ले जाकर ये ड्रोन को उसके मुंह से टकरा देता है। इस इंसान को ये फैमिली फोटो जिंदगी भर याद रहेगी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी चीजों को बहुत ही ज्यादा मजबूत दिखाते हैं। ऐसे ही हैं ये जनाब जिन्हें अपनी टेम्पोर्ड ग्लास को लेकर कुछ ऐसी ही गलतफहमी है। ये कह रहा था कि टेम्पोर्ड ग्लास में हथौड़े के कई बार सहने की ताकत है, लेकिन ये ग्लास तो दो बार में ही चूर चूर होकर बिखर जाता है। लेकिन ये ग्लास खुद को तोड़वा के भी फोन की स्क्रीन को नहीं बचा पाता है। ये प्रोडक्ट बहुत ही खराब है, इसलिए शो ऑफ करने से पहले सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारी मम्मियों को पहले से ये बात पता होती है कि दूध में उबाल कब आने वाला है, और उबाल आने से पहले वो दूध को गैस पर से उठा लेते हैं। लेकिन इस बंदे को देखिए जो बड़ी कढ़ाई में दूध उबाल रहा है, लेकिन अब ये अपना दिमाग लगाता है और बाल्टी से दूध निकालना शुरू कर देता है। लेकिन इसका ये आइडिया उल्टा पड़ जाता है और काफी नुकसान बंदे को झेलना पड़ जाता है। दोस्तों, इस मैडम को देखिए जिसने अपने मग में कॉफी भरी है और भरकर ये दो बार उसको पलटकर देखती भी है, लेकिन दोनों बार ही कॉफी नहीं गिरती है। लेकिन जैसे ही ये लैपटॉप के ऊपर होता है, ढक्कन खुल जाता है, उसकी कॉफी लैपटॉप पे जा पड़ती है। मुझे लगता है कि कॉफी के मग ने ऐसा कांड जानबूझ के किया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।